हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाड़ा सब दा दुपहर दी खबरों के मुख्य एपीसोड दे विच। आओ गल करते हैं पंजाब दीआं मुख्य खबरों की। इस वेले जो पहली खबर आ रही है जी, करोना ने विगाड़े पंजाब दे हालात, हुण 13 जिले रैड जोन दे विच आए। पंजाब विच नंदेड़ ते बाहरी सूबियां तों लोगों के वापस परतण मगरों सूबे दे विच करोना मरीजों की गिणती लगातार वध रही है। शनिवार पहली बार एक दिन दे विच 272 इकट्ठे केस आए। इस तों बाद सूबे दे विच 13 जिले रैड जोन दे विच आ गए हन। हासिल जानकारी के मुताबिक हुशियारपुर के 72, अमृतसर के 63, बठिंडा 33, गुरदासपुर 25, लुधियाना 19, फतेहगढ़ साहिब 4, मोगा 21, जलंधर 16, मोहाली 1, मानसा के मुकसर 3-3, संगरूर 4, बरनाला 2, रोपड़ 1, नवांशहर 5 केस आए हैं। इन्हों के 228 श्रद्धालु हैं जो श्री हजूर साहिब तो परते हैं। इस तों इलावा हैल्थ विभाग के 6 मुलाजमान की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सूबे में करोना मरीजों की संख्या वधण ते पंजाब दीआं कैबिनेट दीआं मुश्किलां भी वध गईआं। सरकार ने हुण फैसला लिया है कि कोई भी पंजाबी जो दूजे सूबे तो परतिया है, बेशक उसका पहला टैसट हो चुका हो, उसका दोबारा टैसट करवाया जाएगा। अगली खबर जी, 45 मिनटों में SBI बैंक देगा 5 लाख रुपए का लोन, 6 महीने तक नहीं देनी होगी EMI। करोना के कारण तालाबंदी पूरे देश में 17 मई तक बढ़ा दिया गया। गैर जरूरी चीज़ों तो इलावा सारिया किस्मों की दुकाना के कारोबार लगभग ठप हो चुके हैं। यही कारण है कि लोगों के हाथों के खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अजिही स्थिति में जे तुहानू पैसे की सख्त जरूरत है तो देश का सब तो वड्डा बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुहाड़ी मदद कर सकता है। SBI बहुत घट समय में बहुत घट ब्याज दर से 5 लाख रुपए का कर्जा प्रदान कर रहा है। खास गल ये कि तुसी घर बैठ के भी इस लोन लई अपलाई कर सकते हो। तुहाड़ा काम सिर्फ 45 मिनटों में हो जाएगा। लोन लैण के पहले 6 महीने तक तुहानू कोई भी किश्त देने की जरूरत नहीं पवेगी। अगली खबर जी, घर वापस जा रहे मजदूरों के लिए सोनिया गांधी ने हुणे हुणे कीता एक बहुत वड्डा ऐलान। करोना महामारी विरुद्ध चल रही लड़ाई में लागू तालाबंदी कारण मजदूर लंबे समय तो फसे हुए सन। हुण जदों उन्होंने लगभग 1 महीने बाद घर जाने की इजाजत मिली तो केंद्र सरकार ने रेल किराए के सारे खर्चे मजदूरों तो वसूल करने का फैसला किया। इससे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है तो हुण कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने इस बारे वड्डा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सारे लोड़वंद मजदूरों दीआं रेलवे टिकटों की कीमत खुद अदा करेगी। प्रधान सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया कि सूबा कांग्रेस कमेटी की हर इकाई मजदूरों के मजदूरों की वापसी रेल यात्रा की टिकट की कीमत सहन करेगी और जरूरी कदम भी चकेगी। अगली खबर जी, पंजाब सरकार का ऐलान, 4 मई तो फिर होगा शुरू टोल टैक्स। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने दसिया कि राज सरकार अधीन चल रहे 23 टोल प्लाजिया से टोल टैक्स 4 मई तो मुड़ चालू किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे देश में चल रहे तालाबंदी के मद्देनज़र टोल प्लाजा 27 मार्च में पक्के तौर पर बंद कर दिए गए सन। 19 अप्रैल को टोल प्लाजा बंद करने की म्याद 3 मई तक बढ़ा दी गई सी। उन्होंने दसिया कि हुण अज 4 मई तो टैक्स दोबारा शुरू हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों, ग्रीन अते ओरेंज जोन विच अज खुलणगे ताले। देश दे विच लागू लॉकडाउन दा तीजा पड़ा सोमवार तो शुरू होगा जो 17 मई तक चलेगा। 17 मई तक चलन वाला यह पड़ा हुण तक दोवां पड़ावां नालों ज़्यादा राहत देवेगा। लॉकडाउन नियमों नूं ढिल देण लई करोना दे खतरे दे आधार ते देश नूं 3 हिस्सों रैड ओरेंज अते ग्रीन विच वंडिया गया। 3 श्रेणियों विच अंतर राज यात्रा हवाई जहाज़ ते रेल सेवावां 17 मई तक बंद रहणगियां। हालांकि कुछ होर गतिविधियों नूं रैड ओरेंज अते ग्रीन जोनां विच वर्गीकरण के आधार पर आग्या दित्ती जाएगी। किसी भी जोन के 65 साल तो वध उम्र के बीमार गर्भवती औरतां अते 10 साल तो घट उम्र के बच्चे नूं जरूरी काम अते सेहत संबंधी जरूरतों तो इलावा घर तो बाहर जाण की आग्या नहीं होगी। अगली खबर जी, चंडीगढ़ में आज तो कर्फ्यू खत्म, सवेरे 10 तो लैके 6 बजे तक खुलन गियां दुकाना। चंडीगढ़ प्रशासन की एतवार शामी हुई बार रूम मीटिंग में सोमवार को शहर में कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया गया है। हुण लॉकडाउन शाम 7 बजे तो सवेरे 7 बजे तक ही रहेगा।
सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 7 बजे तक शनिवार को दुकाना खोलण दे लै के फैसले को वापस ले लिया गया है। हुण इंटरनल सैक्टर की मार्केट के सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक ओड ईवन फार्मूले के अनुसार दुकाना खोलणगियां। चंडीगढ़ प्रशासन के वलों चंडीगढ़ के दुकाना खोलण का जो टाइम है चेंज कर दिया गया है। हुण दुकाना 10 बजे तो लैके 6 बजे तक ही खोलणगियां। हुण 4 मई को ईवन और 5 मई को ओड नंबर की दुकाना खोलिया जा सकनगियां। शराब के अहाते बंद रहणगे पर शराब और पान दियां दुकानियां खुल्लियां रहणगियां। अगली खबर जी, नंदेड़ तो परते शरधालु क्यों बने करोना का शिकार। मजीठिया ने किया एक वड्डा खुलासा। नंदेड़ साहब तो परते शरधालु करोना के शिकार क्यों बने, इस बारे श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्र बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने वड्डा खुलासा किया है। नंदेड़ तो लिया गए सिख शरधालुओं के वड्डी गिणती में करोना संक्रमित होने लई उन्हां कैप्टन सरकार की लापरवाही दसी। मजीठिया ने कैप्टन सरकार से इल्जाम लगाते कहा कि 2000 लोग राजस्थान तो भी आए हैं, वह करोना पीड़ित नहीं क्योंकि उन्होंने लैन लई एसी बसा नहीं भेजी गई सन। महाराष्ट्र संगत को लैके आने लई यह एसी बसा भेजी गई। 3500 शरधालुओं लिया 80 बसा भेजी गई। उन्होंने कहा कि सरकार की वड्डी लापरवाही सी जिस नाल इन्नी वड्डी गिणती में शरधालु करोना नाल संक्रमित होए हैं। अगली खबर जी, रेल बस राही यात्रा करने विच किस किस नूं मिलेगी छोट। देखो अगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐतवार नूं स्पष्ट किया कि तालाबंदी दौरान लोगों नूं आउण जाण विच ढिल की गई है, सिर्फ दूजे राज्यों में फसे प्रवासी मजदूरों लई है। केंद्रीय गृह सकत्र अजय भल्ला ने सारे राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं पत्र लिख के स्पष्टीकरण जारी किए हैं। भल्ला ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने अजिहे फसे लोगों की आमद नूं मंजूरी दे दिती है जिन्होंने तालाबंदी की म्याद तो ठीक पहले अपनी असल रिहायश या काम वाली थान छड़ दिती सी। तालाबंदी नियमों कारण लोग वाहनों की आवाजाई ते पाबंदी के कारण कितने फस गए ते अपने घरों नूं वापस नहीं आ सके। उन्होंने लिए गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कुछ शर्तों से रेल गड्डिया के बसा राही उन्होंने आवाजाई को मंजूरी दे दी है, जिस विच भेजण अते मंजिल के राज्यों की सहमति दी नियमों की पालना आदि शामिल हैं। अगली खबर जी, दिल्ली दे विच सरकार विद्यार्थियों नू मुफ्त विच पढ़ावेगी। अज तो शुरू हुई क्लास, करोना के कारण बोर्ड की सारी प्रीख्यावां के नतीजे रुके हुए हैं। बहुत सारे बोर्ड की तो कुछ विषयों की प्रीख्या भी नहीं हो पाई जदों के कुछ राज्यों में कापियों की जांच नहीं की गई है। अजिही स्थिति में दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के लिए एक नवी पहल शुरू की है। दरअसल दिल्ली सरकार 10वीं ते 12वीं के विद्यार्थियों लिए समय की चंगी वरतों करने अंग्रेजी क्लासा शुरू कर जा रही है। ये क्लासा अच्छ सरकार के ब्रिटिश कौंसल और मैकमिलन एजुकेशन के सहयोग न लगाई जाएगी। इसके तहत विद्यार्थियों नूं SMS के जरिए एक लिंक भेजा जाएगा जो उन्होंने गतिविधि के वैब पेज से लै जाएगा। क्लासा मई और जून में चलनगियां। अगली खबर जी, GST का बकाया देवे केंद्र नहीं, कर्मचारी की तनखाह देना होगा मुश्किल। अमरिंदर सिंह, देश में लॉकडाउन के कारण सारे कामकार बंद पे हैं, सरकार की आमदन भी रुकी हुई है। इस बारे अपनी स्थिति प्रकट करदियां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज सरकारां दे कोल फंड नहीं हैं, जेकर इस तरह चलता रहा तो सानू अपने कर्मचारियों की तनखाह देनिया मुश्किल हो जाएगियां। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने कहा कि GST और एक्साइज का बकाया केंद्र सरकार वल रहता है, जिस विच राज दी लगभग 6200 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी अजे नहीं आई है। इस तो इलावा केंद्र दे शराब भी बंद कर रख है क्योंकि पंजाब सब तो वध शराब ते लगण एक्साइज ड्यूटी तो ही कमाई होंदी है। केंद्र सरकार ने शराब नू भी बंद रख्या होया है, इसलिए असीं केंद्र सरकार नू शराब दी दुकानां खोलण बारे भी कह चुके हैं। जेकर इस मुश्किल समय विच सानू GST ते एक्साइज का बकाया मिल जाए तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। दूसरे पासे करोना बारे गल करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि करोना नाल लड़ाई थोड़ी लंबी है ते महंगी है, इसलिए केंद्र ते राज सरकारां नूं मिल के इस नाल टाकरा करना पवेगा। असीं लगातार करोना दा टैस्ट कर रहे हैं, पंजाब दी 3 करोड़ की आबादी है, इसलिए इन्नी वड्डी संख्या में टैस्ट करने लई काफ़ी खर्च आएगा क्योंकि एक मरीज का टैस्ट करने के लिए 2000 रुपये का खर्च आता है। अगली खबर दोस्तों, USA अमेरिका ने कहा चीनी लैब तो करोना फैलण के वड्डे सबूत मिले। US के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा है कि इसके बहुत सबूत हैं कि करोना की लाग चीनी लैब तो ही फैली है। हालांकि माइक पोंपियो ने मीडिया को कोई सबूत नहीं दिता। दुनिया के कई देश लंबे समय तो वुहान में चीनी लैब में शक के नाल वेख रहे हैं, इस लैब करोना बारे खोज की गई सी। अगली खबर दोस्तों, करोना के मरीजों की गिनती 40,000 तो पार, वड्डा अंकड़ा आया सामने। देश में पिछले 24 घंटे करोना तो
83 होर लोगों की मौत होने मगरों कुल गिणती 1306 हो गई है, जबकि 2487 नवे मामले आने वाले कुल गिणती बढ़ के 40,263 से पहुँच गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दसिया कि पीड़ित 28,070 मरीजों का इलाज हाले भी चल रहा, जबकि 10,886 लोग सेहतयाब हो गए हैं तो अपने वापस घर चले गए हैं, तो एक मरीज विदेश चला गया है। लाग के कुल मामलों में 111 विदेशी नागरिक भी हैं। अगली खबर दोस्तों, वैदर ने किया अलर्ट, जिलों के तूफान नाल बारिश की चेतावनी, देखो कि जिलों में होगी बारिश तो आएगा तूफान। मौसम विभाग के ताज़ा अंदाजे अनुसार सोमवार दोपहर 12 बजे तक उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश और हनेरी के नाल बिजली गरजन की संभावना है। जिन्हें जिले लिए अनुमान जारी किए गए हैं उन्होंने 3 जिले शामिल हैं। पंजाब दे विच अजे मौसम साफ रहने के ही अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये सन दोस्तों हुण तक दीआं पंजाब दीआं मुख्य खबरां जिन्हां दे नाल तुहानूं जाणू करवाया गया। उम्मीद करदे हां साडे वल्लों दित्ती हुई जानकारी तुहाडे लई काफ़ी यूजफुल साबित होई होवेगी। जेकर तुहानूं साडी वीडियो चंगी लगी तां लाइक कमेंट एंड शेयर भी जरूर कर देना, नाल ही साडे चैनल नूं भी सबसक्राइब कर देना। इस दे नाल ही खबरां दा अज दा एपीसोड इत्थे ही खत्म हुंदा है। अगला एपीसोड लैके जल्दी ही तुहाडे तक पेश आवांगे। तद तक दे लई रब रखा।